2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त और शुरुआत आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। हम तो जो काम करते हैं डंकी की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं, हम कोई छुपके छुपके कोई काम नहीं करते। तो हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था। जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज उन्हें सारा तितर बितर कर दिया बीजेपी ने। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में वहाँ पर राजनीति पार्टियाँ हरकत में आ गई हैं। राजनीति पार्टियों की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ेगी और इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है। तो वहीं भाजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमने भाजपा के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था। हमें लगता था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, लेकिन आज भाजपा ने जब तीतर बीतर कर दिया तो गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सुनिए महबूबा मुफ्ती ने एनसी, कांग्रेस और बीजेपी को किस तरह घेरा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब राम माधव और हमारी बातचीत चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, बीजेपी के साथ नहीं, तो वो सब जानते थे, खुल के किया हमने और हमने अपना एक एजेंडा लाया और उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। तो हम उमर साहब की तरह चुपके चुपके, ये तो रविंद्र रैना जी तो आप कह रहे हैं, मगर आजाद साहब ने तो कहा ये रात को जाके मिलके आते हैं उनसे। हम कोई चीज चुपके चुपके नहीं करते हैं। राम माधव आए होंगे, हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और न शायद कांटेक्ट होगा, क्योंकि हमने उस वक्त मोदी जी के साथ ये सोच के हाथ मिलाया था कि ये एक बड़ी ताकत के साथ आगे हैं, ये वाजपेयी जी का एजेंडा आगे चलाएंगे। और ये वजह है कि बहसद वजीर आला, पहली वजीर आला जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने सेपरेटिस्ट को खत लिखा कि आप बातचीत की दावत दी मैंने उनको, मुझे बताइए कौन वजीर आला कर सकता है। बाकी देवेंद्र रैना इनके दोस्त हैं, वाकिफ हैं इनके। जब वो कहते हैं कि 2014 में खुद उमर साहब अमित शाह जी से मिलने गए कि हम बिला शर्त और शुरू आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, हम तो जो काम करते हैं डंकी की चोट पे करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं और बता के करते हैं, हम कोई छुपके छुपके कोई काम नहीं करते। बीजेपी के साथ आपकी अलायंस कतई नहीं, मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहां आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो 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 हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो उन्हें सारा तितर बितर कर दिया बीजेपी ने। अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, पर जहाँ जहाँ भी एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है वहाँ पर, खासकर जैसे आपको इधर लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो अलायंस का तो। मगर दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल एप्लीकेशन से लेके, कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम्स से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 साल में नहीं हुआ है। सॉरी, ही इज मोस्ट वेलकम। राहुल गांधी कश्मीर आना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं, उनको पूरा हक है, यू शुड डू दैट। मैडम, पीडीपी में हुर्रियत नेता आ रहे हैं, क्या हम माने पीडीपी की विचारधारा अब असरअंदाज हो रही है हुर्रियत वालों से? देखिए, पीडीपी की विचारधारा किसी से असरअंदाज नहीं। हमने जब बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाया तो हमारा अपना एजेंडा चलाया, नहीं तो मैं 12,000 नौजवानों की FIR वापस नहीं ले सकती थी अगर मैंने बीजेपी का एजेंडा चलाया होता। मैं चिट्ठी नहीं लिखती हुर्रियत वालों को, इसलिए पीडीपी को अपने एजेंडे पे भरोसा है और वो प्रैक्टिकल है, वो रियलिस्टिक है। वो बात हो सकती है, हम कहते हैं रास्ते खोलो,
बीजेपी कहती है हम उस कश्मीर को वापस लाएंगे, हम कहते हैं पहले उस कश्मीर और इस कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक ज्वाइंट काउंसिल में तब्दील करो। तो हम तो एक रियलिस्टिक सोल्यूशन दे रहे हैं ना, हम कहते हैं जहां जहां सिचुएशन इम्प्रूव होगी है वहां फौज को निकाल के बैरक्स में वापस भेजो, जहां जहां मुफ्ती साहब ने निकाला था अनंतनाग में कई जगह पे निकाला, जहां पर यूनिवर्सिटी बनी कॉलेज बने। तो हमारा तो जो पीडीपी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा रेलिवेंट रहेगा तब तक जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद से विधानसभा का चुनाव होना है। यह चुनाव 3 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होनी है, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को होनी है, तो वहीं तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है। साथ ही 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव के भी परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।